नमस्कार स्टूडेंट, श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवा जी की तरफ से सभी बीए पार्ट थर्ड विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो हमारा भारत के भूगोल उसका अगला चैप्टर्स आपको पढ़ा रहे हैं। भारत का भूगोल उसमें है आज जो हमने पहले प्रायद्वीपीय भारत पढ़ा था। इस प्रायद्वीपीय भारत के बाद आज हम पढ़ेंगे भारत के तटीय, भारत के तटीय समुद्री तटीय समुद्री मैदान, समुद्र तटीय मैदान। तो जो हम पढ़ रहे हैं उसमें समुद्र तटीय मैदान कौन से होंगे? तो जो हमने अब तक भारत का क्या पढ़ा, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के बारे में अध्ययन किया है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तटीय मैदान। अभी तटीय मैदान कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट, ये जो तटीय मैदान है वो है, ये जो तटीय मैदान है वो जो समुद्र के ऊपर है, इधर ये अरब सागर और ये जो इधर है वो है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो हम जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे समुद्र तटीय अर्थात गुजरात तट से लेकर के जो पश्चिमी बंगाल जो भी तटों के ऊपर जो मैदान है, उन तटीय मैदानों का हम आज के टॉपिक में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो ये तटीय मैदान है उन तटीय मैदानों को किसके आधार पर, दिशाओं के आधार पर बांट लेते हैं। जैसे दिशाएं कितनी है, चार दिशाएं हैं। तो इन दिशाओं के आधार पर हम जो दिशा कौन सी, ये पश्चिमी है इसे कह सकते हैं पश्चिमी तटीय, और जो इधर पूर्व है इसको कह सकते हैं पूर्वी तटीय भाग। तो जो अपन अध्ययन करेंगे वो करेंगे तटीय भाग। तो तटीय भाग को का जो विभाजन है वो कितने रूपों में किया गया है, तटीय भाग का विभाजन, तटीय भाग का विभाजन किया गया है दो भागों में। एक है पश्चिमी तटीय भाग, पश्चिम तटीय भाग, और दूसरा है पूर्वी तटीय भाग, पूर्वी तटीय भाग। तो पश्चिमी तटीय तो कौन सा हो गया, पश्चिमी तटीय हो गया ये पश्चिम से लेकर के दक्षिण तक, इसको कहेंगे हम पश्चिमी तट। पूर्वी तट कहेंगे यहाँ से लेकर के जो इधर, इसको कहेंगे पूर्वी तटीय भाग। इसी के साथ आज हम आपको पढ़ा रहे हैं तटीय भाग का विभाजन, तटीय भाग का विभाजन। इसी के साथ हम आगे अध्ययन करते हैं पश्चिमी तटीय प्रदेश। तो जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है ये भाग, ये क्या है, किससे बना? देखिए, ये जो नदियां हैं, नदियों के निक्षेप से, नदियों का जो निक्षेप है उससे ये तटीय मैदान बने। अब जो ये नदियों के निक्षेप से बने तो इन भागों में क्या मैदान बन गए, इसलिए इन मैदानों को कहेंगे तटीय मैदान। इसी के साथ हम अध्ययन करते हैं आज पश्चिमी तटीय मैदान का, हम अध्ययन करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान।
तो पश्चिमी तटीय एक मैदान का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये है कच्छ, ये क्या है कच्छ। अब कच्छ कहाँ है, गुजरात में है कच्छ। और ये क्या है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी है। तो इसका जो विस्तार है वो है कहाँ से कहाँ तक, कच्छ से कन्याकुमारी, अर्थात कच्छ से कन्याकुमारी तक किसका है, ये है पश्चिमी तटीय भाग कहाँ से कहाँ तक है, अर्थात इसका विस्तार है कच्छ से कन्याकुमारी। और ये 64 कितना है, 64 किलोमीटर इसकी औसत, कौन सी है औसत, ये कितना है 64 किलोमीटर है। अगर औसत में देखें तो 64 किलोमीटर यहाँ से लेकर इस भाग में पाए जाते हैं। इस भाग में देखिए मुख्य क्या है, द्वारिका नगरी, अर्थात जो द्वारिका नगरी कहाँ है, पश्चिम में जो छोर है वो द्वारिका नगरी है, अर्थात जो चार छोर हैं तो पश्चिम में ये यहाँ द्वारिका नगरी है, अर्थात ये समुद्र में थी जो क्या है अब जलमग्न हो गई है, जलमग्न हो गई है। इसी के साथ हम इधर देखते हैं तो देखिए महाराष्ट्र और मुंबई में, महाराष्ट्र और के मुंबई, इसी के अलावा गुजरात, ये जो तट है यहाँ मुख्य रूप से प्राकृतिक तेल का उत्पादन होता है, जिनमें क्या है बॉम्बे हाई, इसी के अलावा गुजरात का अंकलेश्वर, ये क्या है, ये पेट्रोल के प्रमुख उत्पादक है। तो इसमें क्या है, देखिए ये क्या है गुजरात, ये है स्टूडेंट गुजरात, और ये यहां पर क्या है महाराष्ट्र, और ये यहां क्या है गोवा, इसी के साथ ये यहां क्या हो गया केरल, इसी के साथ गोवा के आगे ये इधर क्या है कर्नाटक। तो ये जो समुद्र तटीय भाग कहां से कहां तक, ये यहां से यहां तक जो भाग है इसको हम कहेंगे पश्चिमी तटीय भाग, अर्थात ये जो पूरा का पूरा ये कन्याकुमारी से लेकर के इस भाग को कहेंगे पश्चिमी तटीय भाग। इसी के साथ हम पश्चिमी तटीय भाग जो ये केरल है, इस केरल में कयाल झीलें पाई जाती है, अर्थात कयाल झीलें कहाँ पाई जाती है, तो कयाल झीलें पाई जाती है केरल में, कहाँ पाई जाती है केरल में कयाल झीलें पाई जाती है। हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं पश्चिमी तटीय भाग का, जो कच्छ से कन्याकुमारी तक लगभग 64 किलोमीटर, अर्थात द्वारिका नगरी इसका पश्चिम भाग है, मुंबई का महाराष्ट्र और गुजरात का अंकलेश्वर प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक है। यहाँ की जो मृदा है वो क्या है काली है, जहाँ सबसे ज़्यादा किसकी चावल और किसकी, देखिए चावल किसमें होगा काली में, इसी के साथ कपास की खेती बहुतायत होती है। इसी के साथ स्टूडेंट इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे हम आगे के अध्ययन की ओर बढ़ सके, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लिया धन्यवाद। और हम बढ़ते हैं पश्चिमी तटीय प्रदेश, आपको पढ़ाया जा रहा है पश्चिमी तटीय प्रदेश। तो जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है, अब हम पश्चिमी तटीय प्रदेश के चार
उपविभाजन का इसको विस्तृत रूप से पढ़ाते हैं, अर्थात ये यहाँ से यहाँ तक कितने भागों में बांट दिया, इसको चार भागों में बांट दिया। और सबसे पहले हम पढ़ाते हैं गुजरात, गुजरात का तटीय प्रदेश, गुजरात का तटीय प्रदेश। अब गुजरात का तटीय प्रदेश है तो इसको भी हम कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भाग। अब दो भाग किया तो ये जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है वो शुरू कहाँ से हो रहा है, कच्छ से। किससे? तो इसकी जो शुरुआत है कच्छ से। अब ये कच्छ क्या है? शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश है, अर्थात ये एक सबसे बड़ा जिला भी है। इसी के साथ हम इसको मान लेंगे कि ये कच्छीय प्रदेश है, अर्थात जो ये कच्छ प्रदेश है ये क्या है? शुष्क प्रदेश है, शुष्क प्रदेश है। इसी के साथ ये क्या है? दलदली। कहाँ पर है? गुजरात में। स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये भाग है, ये क्या है? कच्छ है। और जो ये नीचे का जो कटा गया वो है खंबात, आधार इसको कहते हैं खंबात की खाड़ी, और ये हो गया कच्छ। तो इसी के साथ ये कच्छ और ये खंबात है। तो हम पढ़ा रहे हैं आपको क्या, कच्छ का रण, जिसको क्या कहेंगे, कच्छ का रण। क्या पढ़ाया जा रहा है? शुष्क प्रदेश है, दलदली कहा जाता है, जिसको हम रण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कच्छ और रण कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ और रण पश्चिमी तटीय प्रदेश में, गुजरात के कच्छ में दलदली भाग में कच्छ और रण पाए जाते हैं। इसी के साथ देखिए यहाँ पर क्या है, जो सरक्रिक है, सरक्रिक जो रेखा है, सरक्रिक जो रेखा है उसका विवाद है, और वो विवाद किन देशों के बीच में है। तो ये भी बड़ी ध्यान देने योग्य बात है कि कौन कौन सी किसके है। तो ये जो सरक्रिक विवाद है वो भारत और पाक के बीच में, भारत एवं पाक के बीच में इस रेखा को लेकर के सरक्रिक विवाद है। ये भी वेरी मोस्ट है कि सरक्रिक क्या है, ये रेखा विवाद है जो हमारे पड़ोसी देश किससे, पाकिस्तान से और भारत के बीच में सीमा विवाद है। तो सरक्रिक कहाँ है? सरक्रिक विवाद गुजरात में है। तो हमने आपको पढ़ाया, इसी के साथ इसको हम आगे पढ़ाते हैं। और आगे है काठियावाड़ सौराष्ट्र, अर्थात ये काठियावाड़ सौराष्ट्र कहाँ है? दूसरा भाग है काठियावाड़ और सौराष्ट्र, काठियावाड़ और सौराष्ट्र कहाँ है? तो इसके बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो ये भाग है कच्छ से सौराष्ट्र तक, अर्थात कच्छ से सौराष्ट्र का भाग। यहाँ भी क्या है? वही काली मिट्टी है, और खेती किसकी होती है? कपास एवं किसकी, कपास के अलावा किसकी होगी यहाँ? कपास काली मिट्टी में होता है, और चावल, अर्थात यहाँ जलवायु के आधार पर मिट्टी का भी बड़ा योगदान होता है। इसी के साथ यहाँ पर देखिए माही और तापी और साबरमती, ये जो तीन नदियाँ हैं वो इस भाग में गिरती है। इसी के साथ इसमें दी मोस्ट
क्या हो सकता है? इसमें जो सबसे ज़्यादा दी मोस्ट है कि इसका जो ढाल है वो दक्षिण पश्चिम में है, जो ढाल है वो है दक्षिण और पश्चिम दिशा में इसका ढाल है। तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, किसका ले सकते हैं, जो पढ़ाया कौन सा भाग, काठियावाड़ से सौराष्ट्र अर्थात कच्छ से सौराष्ट्र किसमें, महाराष्ट्र में है, उसको हमने दूसरा भाग करके इसमें पढ़ाया अर्थात ये एक थोड़ा और कि ये ज्वारदन नदी यहाँ पर क्या करती है, ज्वारधन नदियाँ है, इधर वाली नदियों को कहेंगे एस्चुरी, कौन सी नदी कहेंगे, एस्चुरी नदी अर्थात पश्चिम तटीय भाग की जो भी नदियाँ हैं वो है ज्वारदन मुखी नदियाँ, और पूर्वी भाग की जो भी नदियाँ हैं वो है एस्चुरी, अर्थात पूछा जाए एस्चुरी कौन से भाग की नदियाँ बनाती है तो वो है पूर्वी तटीय पश्चिमी तटीय भाग की नदियाँ सारी की सारी ज्वारदन मुखी नदियाँ है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लिया, धन्यवाद। आगे है हम जो भाग पढ़ाने जा रहे हैं वो भाग है कोंकण का तटीय मैदान, कोंकण का तटीय मैदान ये जो कोंकण का तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक है, दमन से गोवा तक, दमन अर्थात कोंकण तट, इसको हम क्या बोलते हैं, कोंकण तट, ये है कोंकण तट, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है, ये है दमन से गोवा तक। इसी के साथ हमारा जो अध्ययन है वो आगे बढ़ता हुआ, इसी के साथ ये जो भाग है उसको हम पढ़ा रहे हैं। ये देखिए मुंबई में सबसे ज़्यादा चौड़ा है, सबसे ज़्यादा चौड़ा किस में है, मुंबई में सर्वाधिक चौड़ा। हम आपको अध्ययन करवा रहे हैं भारत का भूगोल, उसमें अपना जो टॉपिक्स चल रहा है वो टॉपिक्स कौन सा है, हमारा टॉपिक्स है क्या, समुद्र तटीय मैदान। इसी के साथ आप जो भी ये जो तट है उसको मानचित्र में देख सकते हैं, मानचित्रावली के माध्यम से कौन सा तट कहाँ है इसका आपको अच्छी तरह अवलोकन हो जाएगा। इसीलिए ये जो मैप है इसी के पास में हम ओनली केवल किसका मैप बनाते हैं, तटीय मैदान का। जिस प्रकार ये यहां तक कि क्या होगा तटीय मैदान, ये यहां तक क्या होगा तटीय मैदान अर्थात यहां से यहां तक। हम देखते हैं कौन सा प्रदेश कहाँ है, देखिए ये क्या हो गया हमारा राजस्थान है और ये क्या हो गया इधर गुजरात, ये क्या है गुजरात तटीय मैदान, गुजरात तटीय मैदान अर्थात ये हम इस भाग की बात कर रहे हैं। और ये जो भाग है इसको कहेंगे कच्छ, और ये क्या है यहाँ खंबात, ये भाग हो गया खंबात। इसी के साथ जो हमने पढ़ाया वो काठिया और सौराष्ट्र भाग कहाँ है, ये जो ये भाग है ये जो भाग है वो है काठिया सौराष्ट्र भाग, देखिए ये है काठिया और
सौराष्ट्र भाग, सौराष्ट्र तो काठ या सौराष्ट्र कौन सा है, ये इसको कहेंगे काठ या और सौराष्ट्र, जिसको हमने आपको अभी पढ़ाया। इसी के साथ हम आगे बढ़ते, कौन सा, कोंकण तटीय मैदान, अर्थात जो पढ़ाया वो है कोंकण तटीय मैदान, अर्थात कोंकण तटीय मैदान, कोंकण तटीय मैदान कहाँ स्थित है जो हमने आपको अध्ययन करवाया। ये यहाँ क्या है, दमन है, ये यहाँ दमन है। और इसी के साथ अगर हम आगे देखते हैं तो ये है कन्नड़ तटीय मैदान, ये जो ये भाग है वो है कन्नड़ तटीय मैदान, कन्नड़ तटीय मैदान हो गया। और ये यहाँ क्या आ गई, कन्या कुमारी है, अर्थात ये भाग कौन सा हो गया, उत्तरी, और ये कौन सा हो गया, दक्षिणी, और ये हो गया पूर्वी। और हम आपको पढ़ा रहे हैं पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान में इसी के साथ ये इधर छोटे छोटे द्वीप हैं, और ये जो ये पूरा का पूरा भाग है मलाबार तट, इसको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। क्यों, क्योंकि जो ये मलाबार तट है वो मलाबार तट जलवायु वाले टॉपिक में भी आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो ये भाग है उसमें हम आपको पढ़ेंगे कि 1 जून को मानसून कहाँ पहुँचता है, मलाबार तट पर। तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि मलाबार तट किस में है, तो मलाबार तट पश्चिमी तटीय भाग पर है। और ये जो अंतिम छोर है वो इसका अभी आपको बताया था कन्याकुमारी, तो पश्चिमी तटीय भाग है कच्छ से कन्याकुमारी। इसके साथ स्टूडेंट देखिए, जब भी मैप होता है तो मैप में ऐसे करके और इस प्रकार जो कट लग रहा है, तो ये तो है हमारा जैसलमेर का कट है, किसका कट है, जैसलमेर का कट है। और फिर गुजरात आया तो ये जो कट है वो किसका है, कच्छ का है, और ये फिर किसका है, खंभात का, ध्यान देंगे। और ये फिर इधर क्या गया, अरब सागर। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या, पश्चिमी तटीय भाग इंडिया का, जिससे कई बार क्वेश्चन पुट अप होते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या हम पढ़ाएंगे, प्रमुख बंदरगाह इसमें है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई में क्या था, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो स्टूडेंट बंदरगाह आया, तो बंदरगाह के बारे में हम आपको बता देते हैं कि बंदरगाह किसे कहते हैं। देखिए एयरपोर्ट और बस स्टैंड, और ये आ गया बंदरगाह। एयरपोर्ट जहाँ से वायुयान उड़ान भरती है, उतरती है, उसका स्टेशन है हवाई जहाज़ों का। बस स्टैंड जहाँ पर बसों का स्टॉपेज होता है। और बंदरगाह क्या है, बंदरगाह होते हैं कि जहाँ से जहाज रुकते हैं और जहाँ से विदेश व्यापार होता है, उसको क्या कहते हैं, बंदरगाह। कि कहीं यही समझ में नहीं आए कि बंदरगाह होते क्या है, इस सर ने बंदरगाह तो बोल दिया लेकिन बंदरगाह होता क्या है। तो देखिए बंदरगाह होता है जहाँ से क्या, जहाज जो हम आपको बताते हैं कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है देशों से और विदेशों से, तो वो किसके माध्यम से होता है, जलयानों के माध्यम से होता है। इसी प्रकार कक्षा 12 में भी आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, यातायात के बारे में, जिसमें जलयान होगा। कि जैसे हमें अगर किसका ट्रांसपोर्ट करना है, हमें यूरोपियन देशों का ट्रांसपोर्ट करना है, तो इधर कौन से तट के आपको पूछा जाए, कि मान लीजिए अंडरस्टैंड कि
आप कहाँ यूरोप में इंग्लैंड से व्यापार करना चाह रहे हैं, बताइए कौन से जलमार्ग का उपयोग करेंगे। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप इधर पश्चिमी तटीय मैदानों से डायरेक्ट ही इधर ये गया जलमार्ग और ये है यूरोप देश। ये क्या है जलमार्ग? तो ये जो जलमार्ग हुए तो ये क्या है बंदरगाह। टॉपिक चल रहा है बंदरगाह। ये जो पश्चिमी भाग है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया से कर लिया, इसके अलावा जापान से कर लिया, तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जहाज़ों से होते हैं और जहाज़ों में क्या बंदरगाहों का विशेष योगदान होता है। तो हमारे सामने कौन सा शब्द आ गया बंदरगाह, जिसको हमने आपको समझाया कि बंदरगाह क्या होते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपको इसी के साथ आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मांडवी और जुआरी नदियां मुख्य है, एक लिख लीजिए बाद में लीजिए स्क्रीनशॉट। यहां की जो मुख्य नदियां हैं वो है मांडवी और जुआरी। मांडवी और जुआरी नदी मुख्य है, बताइए कहाँ की है ये? गोवा। अर्थात दी मोस्ट है कि ये जो गोवा है ना वो मांडवी और जो जुआरी नदी है उसी के निक्षेप से गोवा बना। गोवा इन जो नदियां हैं उनके निक्षेप से बना है। इसके साथ आप ले सकते हैं इनका स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लिया, इसके साथ धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। कन्नड़ तटीय मैदान, तो कन्नड़ तटीय जो मैदान है वो कहाँ से कहाँ तक है? कन्नड़ जो तटीय मैदान है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं गोवा से मंगलोर। कन्नड़ तटीय मैदान है ये गोवा से मंगलोर, गोवा से मंगलोर अर्थात गोवा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है वो है कन्नड़ तटीय मैदान। कन्नड़ तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक है अर्थात कहाँ से कहाँ? गोवा से मंगलोर तक है। इसी के साथ यहाँ पर किस मिट्टी की अधिकता है? तो देखिए मिट्टी की जो अधिकता है वो है लैटेराइट मिट्टी की अधिकता है और सबसे ज़्यादा जो उपज है वो है चावल की। किसकी है? चावल की। केवल आप इसमें इतना ही ध्यान रखेंगे, कॉफ़ी है, चावल है और इसका जो भाग है वो आगे पढ़ेंगे मलाबार तटीय। मलाबार तट ये मोस्ट है, ये जो मलाबार तट है उसको आप जो मलाबार तट कहाँ से कहाँ तक है अर्थात हमने जो आपको पढ़ा रहे हैं उसमें लास्ट में ये यहाँ पर ये जो क्या है कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी से अर्थात कन्याकुमारी से कहां तक? मंगलोर तक अर्थात ये है मंगलोर। तो कहां से कहां तक हो गया अर्थात मलाबार तट। मलाबार तट मंगलोर से कन्याकुमारी तक है, इतना ध्यान रखना है।
कहाँ से कहाँ कन्या। अब इसकी विशेषता क्या है, भारत की स्थलीय भूमि पर सबसे पहले मानसून, तो सबसे पहले जो मानसून आया 1 जून को स्थलीय मुख्य स्थलीय भूमि, तो ये यहाँ कौन सा ये है अरब सागर का मानसून, और ये हो गया 1 जून वर्षा, 1 जून को वर्षा करता है स्थलीय भूमि पर। प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले स्थलीय भाग पर वर्षा कहाँ होती है, तो वो है मलाबार तट। कौन सा तट, मलाबार तट। तो देखें सबसे पहले इसके अलावा भारत में कहाँ होता है, तो ये भारत में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये क्या आता है यहाँ सबसे पहले, अगर सबसे पहले शब्द आए तो सबसे पहले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 21 मई को ही मानसून आ जाता है। अगर स्थलीय शब्द आ जाए तो हम करेंगे 1 जून, और ये देखिए ये क्या है, ये केरल है, ये क्या है, ये भाग है केरल, और इधर वाला भाग क्या है, ये इधर वाला भाग है तमिलनाडु। अगर स्टूडेंट ये याद नहीं रहे इसके लिए, ये देखिए ये जो है ये क्या है, श्रीलंका है। कभी स्टूडेंट तमिलनाडु को इधर और केरल को इधर दर्शा देते हैं, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये कैसे याद रहे। आप तमिलनाडु याद रखें तो ये जो पेरांबूर है, कौन सा भाग, पेरांबूर में भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या कहाँ, तमिलनाडु के पेरांबूर नामक स्थान पे की गई थी, अर्थात किसके माध्यम से, श्रीलंका के लिट्ठे आतंकवादी संगठन द्वारा की गई थी। तो याद रखिए कि तमिलनाडु श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, हम इसको याद रखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या के स्थान को याद रख सकते हैं। इसी का साथ आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लिया, धन्यवाद। इसी के साथ हम इसी में आपको बताते हैं, देखिए कयाल और लैगून झीलें यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, कयाल और लैगून, कौन सी झीलें, लैगून झीलें। अब ये जो कयाल और लैगून झीलें कहाँ पाई जाती हैं, यहाँ तटों पर, कौन सी झीलें पाई जाती हैं, कयाल और लैगून झीलें। लैगून झील किसे कहेंगे, कि देखिए तट के ऊपर जो क्या मूंगे आदि के खोल निक्षेप के द्वारा बीच में जो क्या बन जाता है, झील बन जाती है, उसको कहेंगे लैगून झील। कौन सी झील कहेंगे स्टूडेंट, इसको कहेंगे लैगून झील। इसके साथ जो ये केरल है, कौन सा भाग है, केरल, जिस प्रकार हमने गोवा की नदियों के बारे में बताया, तो इस केरल की मुख्य नदियाँ कोई बता सकता है कि केरल की मुख्य नदियाँ कौन सी है। देखिए ये जो नदियाँ हैं वो है वैम्बनाद और अष्टमुखी यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं, जो किसकी, केरल की जो मुख्य नदियाँ हैं अष्टनाद, ये यहाँ की मुख्य नदी है, और इसका जो उपयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, देखिए ये पर्यटक के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, पर्यटक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
मुख्य पर्यटक स्थल बन रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर काफी, नारियल और काफी नारियल, इसके अलावा काजू आदि का उत्पादन होता है। तो आप क्या पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं पश्चिमी तटीय भाग, जिसमें आपने पूरा पश्चिमी तटीय भाग पढ़ा। इसी के साथ इसका भी ले सकते हैं आप एक स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लिया, इसके साथ धन्यवाद। आप आगे जुड़े रहें हमारी क्लासों से, और हम आपको बताया था कि यह सबसे पहले यहाँ मानसून पहुँचता है, इसलिए इसको मानसून का प्रकोष्ठ भी कहा जा सकता है। अर्थात मानसून सबसे पहले, मानसून प्रकोष्ठ अर्थात प्रकोष्ठ कहाँ फूटा, सबसे पहले मानसून यहाँ आया। इसी के साथ आपने लिया स्क्रीनशॉट, इसी के साथ आप धन्यवाद। हम जो आगे का भाग है उसको पढ़ाएंगे। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, और ये जो भाग है, कभी आपने सुना होगा उत्तरी सरकार तट, तो ये है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान, इस पूर्वी तटीय मैदान को किस नाम से भी जान सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि तटीय भाग। कौन सा? तटीय भाग, तटीय भाग अर्थात तटीय भाग के नाम से जानते हैं। इसी के साथ एक छोटा सा आप ये मोस्ट है, इसको आप छोटे को ध्यान देंगे, और इसमें मुख्य क्या है? इसमें देखिए मुख्य जो बताया था उसमें जो मुख्य था, ये इधर तो क्या है, अरब सागर है, और इसी के साथ इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी, और ये क्या हो गया, हिंद महासागर है। आगे बढ़ते हैं हम, इधर जो नदियां जल डालती है, और इधर जो नदियां जल डालती है, क्यों? क्योंकि ये जो नदियां हैं, ये देखिए इधर वाली नदियां हैं ज्वार दन मुखी आधार एश्चुरी, और इधर वाली नदियां बनाती है डेल्टा। तो डेल्टा कौन सी? डेल्टा का निर्माण, डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती है? इसी के साथ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपने लिया, धन्यवाद। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, पूर्वी तटीय मैदान पढ़ा रहे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अर्थात कौन सा भाग हो जाएगा? पूर्वी तटीय मैदान होगा पूरब का। पूर्वी तटीय मैदान, और पूर्वी तटीय मैदान के अनुसार हम इसका जो अध्ययन कर रहे हैं वो अध्ययन करेंगे
पूर्वी तटीय मैदान अध्ययन किया जा रहा है, पूर्वी तटीय मैदान का, पूर्वी तटीय मैदान कौन सा होगा। तो स्टूडेंट जो पूर्वी तटीय भाग है वो हमने आपको पहले भी बताया था कि हम आपको जो अध्ययन करवाया वो था पश्चिमी तटीय भाग, और अब जो अपना अध्ययन चलेगा हम चले गए पूरब की तरफ। तो इसी के साथ देखिए ये ई और ये डब्लू इधर का पढ़ लिया तो ये हो गया पूर्वी तटीय भाग। इसी के साथ ये क्या है, तमिलनाडु है, और ये जो भाग है वो है आंध्र प्रदेश, और ये है ओडिशा, और ये जो मुख्य है वो है पश्चिम बंगाल। इधर का हम अध्ययन करेंगे अर्थात पूर्वी तटीय मैदान। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ लिया, पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में अध्ययन कर लिया। किसके बारे में अध्ययन कर लिया? पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में हमने अध्ययन किया। तो अब जो हम अध्ययन करेंगे वो जो मुख्य अध्ययन है वो सबसे पहले जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है ओडिशा का मैदान। देखिए पूर्वी तटीय भाग में है ओडिशा का मैदान। ये जो ओडिशा का मैदान है ना, इसको क्या कहा जा सकता है, इसको उत्कल मैदान भी कहा जा सकता है, उत्कल मैदान। अब ये जो उत्कल मैदान है अर्थात ओडिशा ये भाग है, इसका अपन अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें जो मोस्ट है अर्थात इस भाग में देखिए ये जो भाग है चिल्का झील, कौन सी झील, चिल्का झील, तो चिल्का झील मुख्य है अर्थात चिल्का झील कहाँ स्थित है, चिल्का झील उड़ीसा में है। इस तट के मैदान पर जो ये तट है अर्थात यहाँ पे कौन सी झील हो गई, यहाँ पे हो गई चिल्का झील, चिल्का झील हुई। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए जो तट है यहाँ पर कहीं कहीं बालू के टीले पाए जाते हैं अर्थात बालू के टीले पाए जाते हैं। इसी के साथ अगर ये जो भाग है ये लगभग क्या है 400 किलोमीटर लंबा है। ये जो है देखिए 400 किलोमीटर लंबा है। इसी के साथ यहाँ की जो मुख्य नदी है, तो वो मुख्य नदी है ना, वो नदी है महानदी। कौन सी है? महानदी मुख्य नदी है। महानदी मुख्य नदी है जो ओडिशा से किस में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हम भारत के अफातंत्र में समस्त नदियों को विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे। इसी के साथ हम बात करते हैं कि क्या चिल्का झील, इसी के अलावा मुख्य और क्या है, तो देखिए हम बात करेंगे बंदरगाह की कि अर्थात ये जो है यहाँ पर देखिए पारा द्वीप और विशाखापत्तनम बंदरगाह यहाँ स्थित है। तो दो बंदरगाह हो गए, कहाँ, ओडिशा के मैदान उत्कल मैदान में पारादीप और विशाखापत्तनम क्या है, बंदरगाह। और इस बंदरगाह के बारे में हमने इसी टॉपिक में आपको विस्तृत रूप से समझाया था। इसी के साथ दोस्तों
हम आगे चलते हैं, आपको आगे पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? आंध्र तटीय मैदान, जिसको काकानाडा तटीय मैदान भी कहा जाता है। आंध्र तटीय मैदान जिसको क्या कह सकते हैं? काकानाडा। अर्थात देखिए, आंध्र तटीय, आंध्र तटीय मैदान, इसको हम क्या कह सकते हैं? काकीनाडा। क्या कह सकते हैं? काकीनाडा। तो ये क्या है? ये है आंध्र तटीय मैदान, आंध्र तटीय मैदान। अभी इसको क्या कह सकते हैं? काकानाडा तटीय मैदान, काकानाड़ी भी कह सकते हैं। देखिए, यहाँ की जो मुख्य नदी है वो है कृष्णा और गोदावरी। जो नदियाँ हैं, नदी अर्थात कृष्णा और कावेरी, दो नदियाँ हैं, मुख्य नदियाँ हैं, दो नदियाँ हैं, कृष्णा और कावेरी मुख्य नदियाँ हैं। इसी के साथ यहाँ पर क्या तेल के बेसिन है? तेल के बेसिन, तेल के बेसिन अर्थात समुद्र से तेल निकाला जाता है। और विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम बंदरगाह है, बंदरगाह। तो ध्यान रखिए कि अगर यही पूछा जाए कि विशाखापत्तनम बंदरगाह छोटे से छोटे पूछ लिया जाए कौन से तट पर है, तो इसको कहेंगे पूर्वी तटीय मैदान पर। ये नहीं करना कि ये पश्चिमी तटीय भाग पर है। अगर इस भाग पे दर्शाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। इसी के साथ हम जो मुख्य पश्चिमी भाग पे पढ़ाए थे मलाबार तट, क्या पढ़ाए थे? मलाबार, अर्थात मलाबार तट से प्रश्न पूछे जाते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और इसीलिए इंडियन ज्योग्राफी जीके का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो ये जो तट है, लेकिन ये भी क्या है? तट है। हम बात करते हैं पूर्वी तट की और पश्चिमी तट की। तो देखिए, इसको कहेंगे कोरोमंडल तट। ये कौन सा हो गया? कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। बस दो तट, कितने तट? दो तट। ये ध्यान रखने कि जैसे इसमें ये इधर और इधर, इधर तो कौन सा तट है? मालाबार तट। और इधर कौन सा तट है? ये है कोरोमंडल तट। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न जीके के उठते हैं। क्यों? क्योंकि ये इधर तो क्या है? अरब सागर। और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। इसी के साथ ये जो भाग पश्चिमी तटीय भाग है, इधर वाला जो पूरा का पूरा भाग जो हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ाया, ये कौन सा था? पश्चिम तटीय भाग। और ये जो यहाँ से यहाँ तक पढ़ा रहे वो है पूर्वी तटीय भाग। तो पश्चिमी तटीय भाग में क्या है? मलाबार तट। और यहाँ जो देखिए, 1 जून वर्षा वाला अभी भारत में सबसे पहले मोस्ट पर्सन बना था। इसी के साथ ये भी याद रखना है, जैसे मलाबार तट है और तो कोरोमल, जो कोरोमंडल तट कहाँ है? ये पूर्वी तटवर भाग कोरोमंडल तट है। इसी के साथ हम ये जो भाग है देखिए, ये है तमिलनाडु से कन्याकुमारी। तो ये क्या है? कन्याकुमारी। और ये क्या है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो इसको भी हमें याद रखना है कि ये जो भाग है कौन सा? कोरोमंडल तट वेरी मोस्ट है कि कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक है?
तो ये है तमिल नाडु से अर्थात कन्याकुमारी तक लिखा। इसी के साथ और इसमें मोस्ट क्या बन सकता है, इसमें देखिए वेरी वेरी मोस्ट यह है कि इसमें पुल्लिकट एक लैगून झील पाई जाती है। देखिए मोस्ट पुल्लिकट, पुल्लिकट लैगून झील कहाँ पाई जाती है, पुल्लिकट लैगून झील कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। ये भी क्या है, वेरी मोस्ट है कि पुल्लिकट लैगून झील कौन से तट पर पाई जाती है, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट बताइए केरल में है या तमिलनाडु में है, तो इधर अभी बताया ये केरल और इधर ये तमिलनाडु और इधर वाला भाग केरल। तो पुल्लिकट लैगून झील के लिए कोरोमंडल तट महत्वपूर्ण है। इसी के साथ इसमें और भी कोई मोस्ट है कि देखिए ये क्या है, इसमें कई प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। प्रवाल द्वीप, प्रवाल द्वीप, इसी के साथ आंध्र में जो हरिकोटा इसको क्या करता है, पृथक करता है। तो ये यहाँ पे क्या है, आंध्र में श्री हरिकोटा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। तो इसी के साथ आपने, मैं आपको इसमें मोस्ट बताता हूँ कि यह मानसून प्रत्यावर्तन का काल है। किसका, मानसून प्रत्यावर्तन काल कहाँ से होता है। तो देखिए स्टूडेंट, जो मानसून प्रत्यावर्तन काल कोरोमंडल तट से होता है, किससे होता है, कोरोमंडल तट से। मानसून प्रत्यावर्तन काल कोरोमंडल तट से शुरू होता है, विशेष। इसी के साथ आप जुड़े रहें, यहाँ पर देखिए शीतकाल के प्रारंभ में वर्षा होती है, शीतकाल में वर्षा होती है। कहाँ, शीत काल में वर्षा, शीतकाल में वर्षा होती है। तो आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा आज, आपने पढ़ा समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान में जो भी मोस्ट वांटेड प्रश्न थे उनको हमने आपको बताया, आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लिया, धन्यवाद, जुड़े रहे हमारी क्लासों से। हम आपके लिए अगली क्लास लेकर के आ रहे हैं, द्वीप समूह है जो कंपटीशन की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।